धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाई अशोक भारती जी मंच पे उपस्थित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के नेतागण क्यों उपस्थित नौजवान साथियों मेरी माओ और बहनों आज भीमा कोरेगांव जो महाराष्ट्र का एक गांव है वहां पर पिछले दिनों जो अमानवीय घटना हुई है जिस तरीके से वहां दलित समाज के ऊपर सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया गया है उसके विरोध में और साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी रावण वहां शबीरपुर में जो घटना हुई थी उसमें उनको एक षड्यंत्र के तहत उनके साथियों को फंसाया गया और जब न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की के हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जो तमाम धाराएं लगाई गई थी उसमें उनको जमानत दिया ठीक उसी दिन जब वो जेल से रिहा होने वाले थे उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। दोस्तों गौर करने का मुकाम है या आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय संविधान के ऊपर जब हम निगाह दौड़ाते हैं तो जैसे ही संविधान की कॉपी हमारे हाथों में आती है तो उसके ऊपर जो प्रस्तावना लिखी गई है जो तरहीस लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र होगा इसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबर की आजादी होगी सबको इंसाफ होगा सबको अपनी बात रखने का बराबर का हक और अधिकार होगा। और यही बात उन लोगों को जो इस संविधान को जिन्होंने शुरू से माना ही नहीं उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया और सिर्फ संविधान को ही नहीं माना बल्कि मुल्क की आजादी में जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे ऐसे लोग जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था को जो हजारों सालों से इस देश में चल रहा था उसको लागू रखना चाहते हैं उसको कायम रखना चाहते हैं उन लोगों को खटक रही। आप गौर कीजिए कि 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उनका पर निर्माण दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा था सुनियोजित ढंग से उसी दिन उन्होंने चयन किया उसी दिन का चयन किया और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने भारतीय संविधान को ध्वस्त करने का काम किया। और 25 साल हो गया उस घटना को जिन लोगों ने कायरता पूर्वक ये काम किया था संविधान के खिलाफ ये काम किया था वो लोग आज 25 सालों से लगातार पूरे मुल्क में अपनी बहादुरी का जश्न मना रहे हैं। वही दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव में 200 साल पहले इस सामाजिक व्यवस्था के तहत जिन दलितों को पिछड़ों को कमजोरों को गुलाम बनाया गया था वहां के शासकों के खिलाफ जो पेशवाओं की हुकूमत थी उस हुकूमत के खिलाफ जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई और वहां का जो महारेजिमेंट था उसमें चंद सौ लोगों ने उनकी सेना को जब प्राप्त किया आज जब उसके लिए शौर्य दिवस मनाया जा रहा है गुलामी से आजादी का दिन मनाया जा रहा है तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है और लोगों के ऊपर हमला किया गया। तो दोस्तों मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पहले उस वारदात की उस घटना की उस आक्रमण की वो घटना नहीं कहा जा सकता है वो कोई वारदात नहीं है वो कोई घटना नहीं है घटना तो हम रोड के रास कर रहे हैं अनजाने में कोई एक गाड़ी हमसे टकरा जाए एक्सीडेंट हो जाए उसको घटना कहा जाता है लेकिन उसको सुनियोजित ढंग से आक्रमण कहा जाएगा हमला कहा जाएगा जो ये हमला किया गया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं उसकी मजम्मत करता हूँ मैं उसकी चिंता करता हूँ और मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आज अशोक भारती की दावत पे हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं हम आपके साथ इसमें कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारा ये नारा है कि कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म
सामने आपके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। जब रोहित पूर्णिमा वन इलाका के साथ जुर्म हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया बल्कि मजबूर नहीं किया गया, शादी से उनका कत्ल किया गया। अगर जांच की जाए तो ये उभर के आएगा कि उनका कत्ल किया गया था जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहां भी करी थी। उन्होंने भी हमने जब दलितों के ऊपर जुर्म हुआ उसके साथ हम खड़े हुए। जिग्नेश मेवानी जी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे SDPI उनके साथ खड़ी रही और उसके साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो नासुका लगाया गया है अभी इसी पिछले महीने की 27 तारीख को हमने उत्तर प्रदेश भवन का घेराव किया था और हमने वादे तौर पे कह दिया है योगी सरकार को कि वो फौरन चंद्रशेखर रावण के ऊपर से नासुका वापस करे। और अगली अभी तो हमारा मेमोरेंडम उनके पास गया है, हमारा लेकर उनके पास गया है, हम उनकी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस संबंध में चंद्रशेखर रावण जी के साथ और भीम आर्मी के लोगों के साथ शाना बसाना खड़ी है। हम उस लड़ाई को सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं मानते हैं बल्कि मजलूमों की लड़ाई मानते हैं और मजलूमों की लड़ाई के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये पैगाम देना चाहूँगा क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट ज्यादा है, समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज जो इस मुल्क में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान को खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में जिसका भी मैंने आगे उल्लेख किया था जिस बात को लिखी है उस बात को खत्म कर दिया जाए। भारत को एक समाजवादी राष्ट्र, समाजवादी सेकुलर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र न कहेंगे बल्कि उसको एक मजहब के नाम से हिंदू राष्ट्र क्लियर कर दिया जाए। यही आपकी लड़ाई है। अब इस देश के दलित समाज के लोगों को, संपूर्ण तबके के लोगों को जो इस देश में बर्बादी व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। जो सदियों से इस मुल्क में बर्बादी व्यवस्था लागू की गई थी उस व्यवस्था के अंदर आप जीना चाहते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, उसके तहत इस मुल्क में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने मामला को हल करना चाहते हैं, अपनी हुकूमतों को बनाना चाहते हैं, ये आप लोगों को तय करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये संविधान के तहत ये देश चलता रहे, ये बहुत नासुक घड़ी है। हम सबको सोचने की जरूरत है। ये मामला आज भीमा कोरे गाँव में के लोगों को वहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है सिर्फ उनको इंसाफ दिलाने का मामला नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म से उनको निजात दिलाने का मामला नहीं है। ये लड़ाई दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म से छुटकारा पाने की लड़ाई नहीं है बल्कि ये लड़ाई हमको ये मान के लड़नी पड़ेगी कि आप इस मुल्क में संविधान, भारत के संविधान को आप बचाना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात में बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान एक ऐसा सूत्र है जो भारत के 125 करोड़ लोगों को अपने एक सूत्र में बांधे हुई है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा इस देश का क्या मत होगा ये आने वाला वक्त बनाएगा। मैं आखिर में अपनी बात को इस शेर के साथ कहना खत्म करना चाहता हूँ। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर मिल जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये सात बहुजन समाज का टूट जाएगा। आज वो हमारे अंदर हमको तोड़ना चाहते हैं, हमको अलग करना चाहते हैं, हमें टुकड़ों में करके हमारी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये सात बहुजन समाज का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को, मैं खासतौर से अशोक भाटी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में आमंत्रित किया। और आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ अशोक भाटी जी, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, भीमार्मी के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि SDPI आपके साथ हर महाज पे, हर मोड़ पे, हर कदम पे आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। जहाँ आपका पसीना बहेगा
अपना खून बहाने के लिए पंजाब है, और ऐसा हमने गुजरात में करके दिखाया है। हमारे ऊपर चाहे जो इल्जाम लगा दिया जाए, हमें चाहे जो कुछ कह दिया जाए, हम अपने कदम को पीछे हटाने वाले नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। खुदा हाफिज़।